हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने इसके चारों तरफ राउंड राउंड में लहसुन लगा रखा है और इसमें सब्जी, लहसुन में यहाँ से काट के एक एक पत्ते हर एक पौधे में से ले जाती हूँ और सब्जी में यूज करती हूँ, पराठे में और सब्जी में, यानी जहाँ लहसुन यूज होता है वहाँ करते। और मैंने इसके साथ साथ सरसों भी डाल रखा है, मस्टर्ड, ये साग के लिए, और ये देसी सरसों है और देसी सरसों थोड़ा सी भी डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। नेचुरल है और ऑर्गेनिक भी है तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। साग बनाइए। मैंने इसमें ये झाड़ इसलिए डाल रखा है ये सब, ताकि इसमें बिल्ली ना बैठे, इसकी वजह से। और मैं डेली इसमें पानी डालती हूँ शाम को, ताकि गीला रहेगा तो धनिया अच्छा, सॉरी सरसों मेरा अच्छा रहेगा। और साग आजकल में मैं शाम को जाऊंगी, बथुआ लेके आऊंगी, तब साग बनाऊंगी। मेरा सरसों हो गया है राई साग खाने लायक। देखिए, मैंने एक गमले में और कर रखा है ये, देखिए ये भी हो गया साग बनाने लायक। तो मैं जब भी ठंडी आती है तो मैं बाकी चीज़ तो मार्केट से लाती हूँ, लेकिन सरसों मैं अपने छत पे उगाती हूँ। अब इसमें का खाली करूँगी तो इसमें फिर दोबारा डाल दूँगी नया। और जब इसमें जर्मिनेट हो जाएगा फिर दोबारा बनाना होगा साग, तो इसमें का उखाड़ूंगी, एक तरफ बीज डालूंगी, एक तरफ उखाड़ूंगी। मेरा सीजन ऐसे चला जाता है। और मुझे तो भाई बहुत पसंद है साग, मेरे घर में मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे खाना होता है तो मैं अपना उगा लेती हूँ। तो आप भी अपने छत पर ज़रूर सरसों उगाइए और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन दोस्तों, मार्केट से बेहतरीन ये सरसों होता है। थोड़ी सी एक पिंच एक चुटकी डालिए, देखिए ढेर सारा हो जाएगा। और इसके केयर भी कुछ नहीं है, बस डालने से एक दिन पहले, डालने के बाद एक दिन के लिए ढक दीजिए, ताकि बिल्ली उल्ली हमारे छत पे आती हैं तो वो थोड़ा मिट्टी उट्टी खुरद देगी, इसकी वजह से हमें ढकना पड़ता है ताकि ग्रोथ हो जाए, तभी जम जाए एक एक आधा इंची का, तभी हम खोलते हैं। तो आप कब उगा रहे अपने छत पर ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिए और सरसों ज़रूर उगाइए। सरसों का साग ज़रूर बनाइए, सरसों का साग, बथुए का साग या मिक्स करके। एकदम खिला खिला पत्ता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय।